हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद कर रहा हूँ कि सब लोग अच्छे होंगे, एकदम जबरदस्त तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए बच्चे, फटाफट जो है आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं और हमारी जो चैप्टर है इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। और ये जो वीडियो लेक्चर होने वाला बच्चा, ये हमारा आज का जो है इस चैप्टर का जो है आखिरी वीडियो लेक्चर होने वाला है। इसके बाद बच्चे ये पूरा चैप्टर जो खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको जो है थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ कि हम लोग सबसे पहले चैप्टर के अंदर क्या पढ़े हुए थे। बेटा सबसे पहले हम जो चैप्टर के अंदर जो है कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी सीखे हुए थे कि भाई जैसा किलेट क्या होता है, लिगेंड क्या होती है, सेंट्रल धातु आयन क्या, मतलब हमारा केंद्रीय धातु आयन क्या चीज होती है, ये सारी चीजें पढ़े। उसके बाद उसके जो लिगेंड है उसके टाइप्स पढ़े, एक दंतु लिगेंड, द्विदंतु लिगेंड कैसे होते हैं, उसके एग्जांपल्स भी किए। किलेट के बारे में पढ़े, लास्ट वाले लेक्चर के अंदर किलेट के बारे में ही पढ़े ना बच्चे, तो उस किलेट के बारे में पढ़े कि आखिर किलेट क्या होता है। उसके साथ ही साथ बच्चे हम लोग वीबीटी के बारे में, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में पढ़े। उसके बाद बच्चे सीएफटी भी पढ़ा था, वार्नर थ्योरी पढ़ी, तो बहुत सारी चीजें पढ़ लेते। मतलब पूरा का पूरा ओवरऑल जो चैप्टर था वो हम लोग ने बहुत अच्छे तरीके से खत्म किया हुआ है बच्चे। अब इस वीडियो लेक्चर के अंदर बच्चे हम लोग करेंगे आइसोमेरिज्म। क्या पढ़ेंगे बच्चा? आइसोमेरिज्म, जिसको हम बोलते क्या है बेटा, जिसको हम बोल रहे होते हैं समावयता। क्या बेटा? समावयता बोल रहे होते हैं, हम वो समावयता पढ़ने वाले बच्चे। ठीक है, समावयता आखिर क्या होता है? देखो भाई, हमारे पास एक जो है क्या होता है, परमाणु होता है। क्या बेटा? इस परमाणु, उसका एक कंपाउंड है। उस कंपाउंड का, यहां पर परमाणु की बात नहीं करते, यहां कंपाउंड की बात कर लेते हैं, यौगिक की बात करते हैं। तो उस कंपाउंड का एक कंपाउंड होगा, मान लो कि CFeCN6 पावर में पूरा कंपाउंड है, वहां पर माइनस चार्ज है। तो वो इस कंपाउंड का अलग अलग स्ट्रक्चर होता है। उस कंपाउंड, एक कंपाउंड का अलग अलग स्ट्रक्चर ही क्या कहलाता है बेटा? हमारी समावयता कहलाती है, आइसोमेरिज्म कहला रही होती है। एकदम सिंपल बेटा, मतलब इसको हम कैसे बोल सकते हैं, एक परमाणु द्रव्यमान या फिर एक परमाणु सूत्र, एक फॉर्मूला, उस फॉर्मूला से अलग अलग स्ट्रक्चर जो बनता है, उस फॉर्मूला का, एक फॉर्मूला का अलग अलग जो स्ट्रक्चर बनता है उसको अपन क्या बोलते हैं, आइसोमेरिज्म बोलते हैं, या फिर हिंदी में बेटा उसको समावयता बोल रहे होते हैं। एकदम क्लियर सारे बच्चों को, बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होगा ये बच्चे, एग्जाम्स में आता है। इसको फटाफट अपने कॉपी के अंदर हेडिंग लगाइएगा और इसको जो है मेरे साथ ही लिखते जाइएगा, समझते जाइएगा। इसके बाद वापस आपको जो इसको समझने की जरूरत नहीं होगी। समझ में आए बेटा? ठीक है, चले बच्चे आगे बढ़ते हैं। अब बच्चे मेरे को बताओ ध्यान से कि समावयता के फंडा समझ में आए। अब समावयता जो होती है ना बेटा, समावयता जो होती है, हम कुछ इस तरीके से बांट सकते हैं। देखो, जिन यौगिकों के रासायनिक सूत्र समान होते हैं परंतु संरचना जो होती है डिफरेंट होती है, मैंने आपको बताया हुआ है। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, समावयता बोलते हैं। और समावयता को संकुल के हिसाब से, कंपाउंड्स के हिसाब से दो तरीकों में बांट देते हैं। पहला जो तरीका होता है प्यारे बच्चे, वो होता है संरचना के हिसाब से, स्ट्रक्चर के हिसाब से। स्ट्रक्चर के हिसाब से बेटा हम लोग चार तरीकों में बांटते हैं और ये चार तरीकों बहुत बार पूछा गया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये चार तरीके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम से पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको चार तरीकों को करके जाना और मैं आपको मक्खन करा के जाऊंगा, इसको जबरदस्त तरीके से इसको करने वाले हैं। समझ बेटा? अब देखो ध्यान से, या पे ज्यामिति के हिसाब से देखो, या फिर बेटा मैं बात करूं त्रिभुज समावयता के हिसाब से, स्पेशियल केमिस्ट्री, स्पेशियल, अब बेटा मैं अगर त्रिभुज समावयता की बात करूं तो इसको हम दो तरीकों से बात करते हैं। पहला जो तरीका होता है ज्यामिति के हिसाब से, जियोमेट्री के हिसाब से, और दूसरा जो तरीका होता है बेटा प्रकाशीय के समावयता के हिसाब से, मतलब प्रकाशीय ऑप्टिकल जो है आइसोमेरिज्म के हिसाब से। तो यहाँ पे दो तरीके होते हैं और यहाँ पे बेटा चार तरीके होते हैं। हम पहले चार तरीकों के ऊपर बात करते हैं और मेरे बात एक बच्चा ध्यान देखना, तो ज्यामिति के हिसाब से ना ये जो है एग्जाम्स के अंदर बहुत बार पूछा गया है, और ये जो प्रकाशीय समावयता बेटा ये मैं नहीं कराने वाला। क्या बोला मेरे प्यारे बच्चे? ये जो समावयता है प्रकाशीय समावयता, मैं इसको नहीं कराऊंगा क्योंकि ये एग्जाम में आया नहीं है और हमारे पास टाइम बहुत कम है बेटा। जो हमको जो इंपॉर्टेंट है वो टॉपिक के ऊपर हम कवर करेंगे, उसको हम फोकस करेंगे। अभी जो बेटा जो इंपॉर्टेंट नहीं, जो पूछा नहीं जाता या पूछा गया है, हम उस टॉपिक के ऊपर यहाँ पे थोड़ा सा क्या करेंगे, नजरअंदाज करते चलेंगे। क्लियर बेटा? लेकिन जब आप पूरी के पूरे जब सिलेबस की बात करोगे ना, तो मैं वहां पे आपको इस टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से मक्खन कराने चाहूंगा और बहुत अच्छे तरीके से इसको करके दूंगा। ठीक है बच्चे, समझ में आए? तो इस प्रकार से हमको सारे के सारे फंडे एकदम जबरदस्त तरीके से क्लियर हुए होंगे। अब बच्चे ध्यान से सुनते रहना कि भैया हम लोग संरचनात्मक समावयता कैसे पढ़ते हैं और ध्यान से बनना कैसे चीजें होती है। संरचनात्मक समावयता जो होती है ना बेटा, संरचनात्मक समावयता जो होती है कुछ इस तरीके में बात करते हैं। और पहला जो समावयता होती है वो आयनन समावयता है। यहां पे जो समावयता पढ़ोगे, जो आइसोमेरिज्म पढ़ोगे, वो आप लोग नाम से ही जान जाओगे कैसी चीजें हो रही है। आयनन समावयता बोल रहे मतलब यहां पे कोई डिफरेंट आयन क्रिएट होंगे। आयन कहने का मतलब बेटा, जब आयन ऊर्जा पढ़ते हैं तो वहां पर डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी होती है ना, प्लस एनर्जी माइनस एनर्जी, कैटायन एनायन, ऐसी चीजें होती है। तो यहां पर भी सेम फंडे होंगे, यहां पर क्या होंगे, सेम फंडे होंगे आयनन समावयता के अंदर। इसको जो है पहले फटाफट पढ़ लेते हैं कि आखिर ये बोल क्या रहा है। देखो बच्चे क्या कहता है, एक ही अणुसूत्र, क्या बेटा, एक ही अणुसूत्र एवं संगठन के ऐसे दो समावयी, एक ही अणुसूत्र एवं संगठन के ऐसे दो समावयी जब जल में विलय करने पर अलग अलग तरह से आयनीकृत होते हैं। क्या बेटा? जल में विलय करने से अलग अलग तरह से आयनीकृत हो जाते हैं और इन समावयी को आयनन समावयी कहते हैं। इन समावयी को आयनन समावयी कहते हैं और वो तथा उत्पन्न समावयता को ही हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, आयनन समावयता कह रहे होते हैं।
आयनन समावेशता कह रहते हैं, इसलिए इसका संभव, क्योंकि ऋणावेशित आयन कभी लिगेंड जो है, ऋणावेशित जो लिगेंड होता है कभी कभी आयन्स की भांति और कभी कभी बेटा क्या करता है आवेश की भांति या फिर भैया कभी कभी आयन की भांति काम करता रहता है। सिंपल। अब थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देते बेटा, इसके ऊपर बात करते कि चीजें कैसे होती है। हमारे पास क्या होंगे, सेम स्ट्रक्चर का, सेम फंडे का, सेम फॉर्मूला का एक कंपाउंड्स होते हैं, दो अलग अलग कंपाउंड्स होते हैं। उस दो अलग अलग कंपाउंड्स को जब देखते हैं, अगर उसको हम जल में घोलते हैं तो वो अपने अपने जो क्या होते हैं बेटा, अपने अपने जो है पोर्शंस में अलग हो जाते हैं, मतलब अपने अपने अवयविकणों में विभक्त हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, वियोजित हो जाते हैं। जब वो वियोजित होते बेटा तो वहां पे क्या होता है, डिफरेंट चार्जेस क्रिएट होती है। वहां पे जो लिगेंड होता है, जो निर्वेंट होता है, क्योंकि ऋणावेशित आयन कभी लिगेंड के समान व्यवहार करता है या फिर कभी आयन की तरह व्यवहार करता है। जो बच्चे ध्यान सुनना, ऋणावेशित जो आयन होंगे, जो नेगेटिव चार्ज होता है, वो कभी कभी लिगेंड के धनावेशी चार्ज, लिगेंड के भैया समान व्यवहार, लिगेंड की तरह काम करेगा या फिर बेटा कभी आयन की तरह काम करेगा। ध्यान से देखना, मैं समझाऊंगा बच्चे, ठीक है। अगर मेरे पास एग्जांपल है बेटा, ध्यान से, बहुत बेहतरीन एग्जांपल, जो हमारा कोबाल्ट है, सीओ जो है, वहां पे NH3 पेंटा NH3 है, मतलब एमीन है। तो इस एमीन को देखो, अब BR है, उसके बेटा BR बेटा इसके बाद SO4 है। ये मेरा पहला स्ट्रक्चर, ये पहली तरीके। अब बी को देखो बेटा, ठीक है, बी यहाँ पे क्या है, CO NH3 5 SO4 Br। अब यहाँ पे क्या डिफरेंस दिखा कि हम यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज रहता है इसके अंदर, जो ऋणायन होता है, वो ऋणायन जो होता है यहाँ पे विभक्त हो जाता है, अलग हो जाता है। कैसे जाता है बेटा, यहाँ पे जो SO4- चार्ज होता है ना, SO4- चार्ज जो होता है, सल्फेट जो होता है, वो इसके अंदर आ जाएंगे, इस जो है ब्रैकेट के अंदर आ जाएंगे, इस क्षेत्र के अंदर आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि इसके पास नेगेटिव चार्ज आता है, और नेगेटिव चार्ज कभी कभी लिगेंड की तरह भांति भी काम करता है और कभी कभी आयन की भांति काम करता है। तो बेटा अभी इस पोर्शन पे ये किसकी भांति काम कर रहा है, आयन की भांति काम कर रहा है, आयन की तरह काम कर रहा है। और देखिए यहां पे जब ये अंदर आ जाएगा बेटा, तो ये क्या काम करेगा, एक लिगेंड की भांति काम करेगा, एक लिगेंड की भांति काम करेगा। तो इस प्रकार से हमको समझ में आएगा कि भैया यहां पे जो हमारे आयन्स होते हैं, ऋणायन, वो लिगेंड की भांति भी काम करते हैं और आयन की भांति भी काम करते हैं। सिंपल, समझ में आया बेटा, एकदम बहुत अच्छे तरीके से मैं एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरे एंड से जितना भी टेकित हो सकती है, जितने भी चीज़ें हो सकती है, मैं देने की कोशिश कर रहा हूँ बेटा, समझ में आया। चले बच्चे आगे बढ़ते हैं, ये पूरा जो फंडा आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हुआ होगा, उम्मीद कर रहा हूँ। अब दूसरे तरीके के ऊपर बात करें बेटा, इसका नाम जो है, जो समावेश होता है ना बेटा, उसको अगर नाम पढ़ोगे ना, तो नाम से ही सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। बच्चे आगे बढ़ते हैं, देखो जो समन्वयन या फिर भैया इसको कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन समावयता बोलते हैं, इसको ध्यान सुनना। कोऑर्डिनेशन कहने का मतलब होता है, जब आपने क्रिकेट खेला होगा कभी से, क्रिकेट खेला होगा कभी, तो क्रिकेट खेलते वक्त जो आप जो है स्ट्राइकर एंड पे रहते हैं, मतलब स्ट्राइकर मतलब बैट्समैन रहते हो ना, स्ट्राइकर एंड पे रहते हो, जो नॉन स्ट्राइकर के साथ आप क्या करते हो, कोऑर्डिनेट करते हो, बातचीत करते हो, समावयता बनाने की कोशिश करते हो, सामंजस्य बनाने की कोशिश करते हो, उसी को कोऑर्डिनेशन बोलते हैं बेटा, ठीक है। अब यहाँ पे कोऑर्डिनेशन कैसे होगा, दो अलग अलग जो एलिमेंट होंगे उनके बीच में कोऑर्डिनेशन होगा, समझौता होगा, सामंजस्य बनाएगा, तो वहां पे कोऑर्डिनेशन होता है बेटा। ध्यान सुनना कैसे इसको लिखेंगे हम, इस प्रकार की समावयता में ऐसे यौगिक, ऐसे कंपाउंड को दर्शाया जाता है जिसमें धनायन तथा ऋणायन दोनों स्पीसीज संकुल आयन हो। क्या बात कर रहे हैं यहां पे, मतलब जो धनायन और माइनस चार्ज और पॉजिटिव चार्ज, माइनस चार्ज और पॉजिटिव चार्ज दोनों स्पीसीज क्या हो, प्रेजेंट हो, और वो क्या हो, संकुल आयन हो, तथा एवं धनायन संकुल के लिगेंड, धनायन संकुल के लिगेंड, ऋणायन संकुल के लिगेंड अपने केंद्रीय धातु परमाणु, जो सेंट्रल मेटल एटम होते हैं ना, केंद्रीय धातु परमाणु के साथ परस्पर परिवर्तन में, परिवर्तन से समावयी प्राप्त होते हैं। समझ में आया बेटा, एक्सप्रेशन देते हैं धीरे धीरे आराम से, हौले हौले तरीके से समझते हैं, ठीक है। देखो एग्जाम्पल है बेटा, यहाँ पे क्या दिख रहा है, एग्जाम्पल यहाँ पे दो समावयी लिगेंड हो गए, क्या बेटा दो समावयी लिगेंड हो गए, एक हमारा पॉजिटिव होता है, एक हमारा नेगेटिव होता है, एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा। अब ध्यान से देखो यहाँ पे जो कोबाल्ट है, यहाँ पे जो कोबाल्ट है, कोबाल्ट जो है हेक्साएमीन के साथ बॉन्ड में है, मतलब मेरा लिगेंड क्या होने वाला है, ये एमीन होने वाला है, इमीन लिगेंड होगा। अब इस क्रोमियम में देखिए, इस क्रोमियम में क्या होगा बच्चे, इस क्रोमियम में क्या हुआ, ध्यान से सुनते रहना, समझते रहना, इस क्रोमियम में क्या होगा, जो मेरा लिगेंड है वो क्या हुआ, साइनाइड है, CN है, यहां पे कोई चेंजेस नहीं होती। क्या बोलते हैं, लिगेंड के टर्म पे कोई चेंजेस नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ कहां पे चेंज होता है, हमारे जो है सेंट्रल मेटल एटम, मतलब केंद्रीय धातु परमाणु के ऊपर चेंज होती है। कहां पे लिखा बेटा, ध्यान से देखो, जहां संकुल धातु आयन लिगेंड तथा ऋणायन संकुल के लिगेंड अपने केंद्रीय धातु परमाणु के साथ परस्पर परिवर्तित हो जाते हैं, परस्पर परिवर्तित होते हैं। कैसे परिवर्तित, देखो यहां पे NH3 है, सेम फंडा देखो बेटा, यहां पे भी NH3 है, NH3 है, देखो ध्यान से, NH3 यहां पे, NH3, लेकिन बच्चे यहां पे क्या था, कोबाल्ट था, यहां पे था कोबाल्ट, ये कोबाल्ट क्या कर दिया, इंटरचेंज कर दिया, कोबाल्ट क्या कर दिया, इंटरचेंज कर दिया, किसके साथ, इस क्रोमियम के साथ, इस क्रोमियम के साथ कर दिया इंटरचेंज, समझ रहे हो, इस क्रोमियम के साथ जो सेंट्रल धातु आयन है उसके साथ ये इंटरचेंज कर दिया, और कोबाल्ट इसकी जगह पे आ गया, और ये जो है इसकी जगह पे चला गया।
इस तरीके से होता है बेटा, जहां पे देखो क्रोमियम अलग हो, क्रोमियम जो है इस एमीन के साथ आ गया और जो कोबाल्ट है इस साइनाइड के साथ आ गया। तो ऐसी जो प्रक्रिया होती है ऐसे इसका हम बोलते हैं समन्वयन ससंयोजी यौगिक, या फिर समन्वयन समावयता बोल रहे होते हैं, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म बोलते हैं इसी को ही। क्लियर है सारे बच्चों को? बहुत अच्छे तरीके से बताया, मैं इसको एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश करूं बेटा। आप लोग क्या कीजिएगा, बस बच्चे आप लोग कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, जिस टॉपिक के अंदर दिक्कत आ रही है उसको कमेंट कीजिएगा, जिस चैप्टर के अंदर प्रॉब्लम आती है बेटा बस कमेंट कीजिएगा, और कमेंट करके ही बताइएगा कि कैसा ये लेक्चर जो है चल रहा है, कैसी ये पढ़ाई आपकी चल रही है, उसकी हमको जानकारी दीजिएगा बच्चे, ठीक है। चले बच्चे आगे बढ़ते हैं, हम तीसरे के ऊपर बात करते हैं, आबंधी समावयता के बात करते हैं। आबंधी समावयता, आबंधी मतलब वहां पे बॉन्ड बनेगी, आबंधी मतलब वहां पे बॉन्ड बनेगी, उस बॉन्ड के बारे में बात करते हैं। देखो एम्बिडेंट लिगेंड के इलेक्ट्रॉन युग्मन दो अलग अलग परमाणुओं से, क्या बात कर रहा है, एम्बिडेंट लिगेंड के इलेक्ट्रॉन युग्मन दो अलग अलग परमाणुओं से केंद्रीय धातु आयन को, केंद्रीय परमाणु को दिए जा सकते हैं। क्या बेटा? दिए जा सकते हैं, मतलब कि सिंपल एक बेहतरीन चीज बताऊंगा, पहले ये पढ़ लेते हैं, ठीक है, पहले ये पढ़ लेते हैं। ऐसे होने पर एक परमाणु अणुसूत्र से ऐसे दो संकुल बन सकते हैं जिसमें उपससंयोजक आबंध अलग 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 ऐसे दो समावयी को आबंधी समावयी कहलाते हैं। क्या बेटा? आबंधी समावयी कहलाते हैं। समझ में नहीं आया बेटा? समझाते हैं, धीरे धीरे समझाते हैं, समझते हैं धीरे धीरे कैसे होती चीज, ठीक है। देखो ध्यान से समझते रहना, लिखते कैसे। सपोज करो कि मेरे पास कौन सा समूह है, मेरे पास एक समूह है जिसका नाम है बेटा NO2 समूह, NO2 ग्रुप को देखने से हमको यह पता चलता है कि जो NO2 है, मैं कुछ इस तरीके से भी लिख सकता हूं। मान लो कि ये मेरा लिगेंड है, ये मेरा M है, इस M के साथ जो एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म जो है, अगर मेरा N देता है, ठीक है, अगर मेरा N देता है तो इस प्रकार से यहां पे डबल बॉन्ड, यहां पे सिंगल बॉन्ड, ठीक है। ये हमारा जो है पॉलीडेंटल लिगेंड भी होता है बेटा, ये हमारा जो है उभयदंतु लिगेंड भी होता है, ये हमारा क्या होता है, उभयदंतु लिगेंड भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा, और जब बुक देखो तो वहाँ पे भी ये क्वेश्चन मिल जाएगा, सॉरी ये जो टॉपिक जो है आपको मिल जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे तो मेरे सेंटर में डायरेक्ट इस परमाणु में ये न्यूट्रॉन जो है ये एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म दे रहा है, ठीक है, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म। तो हम इसको क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे नाइट्रो, हाँ इसको यहाँ पे लिखा होगा बेटा, ध्यान से देखना, यहाँ पे बोलोगे हम नाइट्रो समूह, इसको हम बोलेंगे नाइट्रेटो ओ, क्या बोलेंगे इसको हम नाइट्रेटो, मैं लिख देता हूँ इधर फटाफट, क्या दिक्कत है, नाइट्रेटो ओ बोल देंगे, नाइट्रेटो एन, क्योंकि यहाँ पे एन ग्रुप से दे रहा है इलेक्ट्रॉन का डोनेशन हो रहा है, इसलिए इसको एन बोलेंगे। अब मेरे बच्चे ध्यान से देखो, यहाँ पे एम है, यहाँ पे एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म क्या करेगा, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म ऑक्सीजन देगा, इस तरीके से देगा, NO2 होता है ना, ये ऑक्सीजन एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म देगा, तो हम इसको बोलेंगे नाइट्रेटो, इसको हम बोलेंगे नाइट्रेटो ओ, क्या बोलेंगे बेटा, नाइट्रेटो ओ, ठीक है बच्चे। हम इस तरीके से सारे फंडे आपको पता चला, यहाँ पे अलग अलग तरीके से एंड में एंड होने से, मतलब अलग अलग तरीके से जुड़ने से, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म दान करने से उसका नाम भी अलग अलग हो जाता है। क्लियर है बेटा? सारे बच्चों को समझ में आया? तो इस प्रकार से हमारा क्या होता है, आबंधी समावयता हम बोल रहे होते हैं। चले बच्चे फटाफट आगे बढ़ते हैं। अब हाइड्रेट समावयता, हाइड्रेट का मतलब पानी भाई, सिंपल सा, हाइड्रेट का मतलब क्या होता है, पानी। इसको पढ़ेंगे कैसे, देखो जब जल अणु किसी संकुल के उपससंयोजक या फिर उपससंयोजन क्षेत्र के भीतर लिगेंड के रूप में धातु आयन के सीधा बंधित रहता है, धातु आयन से सीधा बॉन्ड में रहता है, और एवं बाहर संकुल के क्रिस्टल जालक से मुक्त रूप में उपस्थित रहता है, तब यह हाइड्रेट समावयता उत्पन्न होती है। मतलब क्या बोल रहा है सर, समझ नहीं आया? देखो बच्चे यहाँ पे हमारा जो केंद्रीय धातु आयन हमारा कोबाल्ट है, इस कोबाल्ट के साथ जो हमारा पानी रहता है, जो H2O रहता है, वो क्या होता है, डायरेक्ट बॉन्ड में रहता है, इस कोबाल्ट के साथ जो है डायरेक्ट बॉन्ड में, सेंट्रल मेटल एटम के साथ डायरेक्ट बॉन्ड में। अब उसके बाहर जो हमारा क्या रहेगा बेटा, इसके बाहर हमारा क्या रहने वाला है, एक जो है, हाँ, इसके बाहर जो हमको एक जो है एलिमेंट रहेगा, जिसको हम बोलते हैं क्लोरीन या फिर कुछ भी हो सकता है, ठीक है, क्लोरीन। ये एलिमेंट क्या करेगा, ये फिर कंपाउंड क्या करेगा, इसके अंदर जाके इस H2O है इसको रिप्लेस कर देगा। क्या करेगा बेटा, रिप्लेस करेगा। कैसे रिप्लेस करके बताता हूँ, ध्यान समझते रहना, ठीक है। देखो ध्यान समझना, यहाँ पे क्या होगा, ये कोबाल्ट क्या होगा, यहाँ अगर मेरे को इससे एक इस क्लोरीन को अंदर लेके जाना है, तो मेरे को यहाँ से पानी को एक बाहर निकालना पड़ेगा। तो ये कैसे चीजें होती है, ध्यान समझना, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ CO, यहाँ पे H2O, यहाँ पे कितना H2O है बेटा, 6 है, तो यहाँ पे 6H2O, मैं यहाँ से 5 बाहर निकाल, 5 कर देता हूँ, और एक क्लोरीन जो है अंदर लेके चला जाता हूँ, एक क्लोरीन अंदर लेके चला जाता हूँ, और यहाँ पे मेरे को मिल क्या जाएगा बेटा, मिल जाएगा मेरे को Cl H2O, मेरे को इस तरीके से मिल जाएगा, ठीक है बेटा, इस तरीके से मेरे को मिल जाएगा, या फिर ब्रैकेट नहीं लगाऊ तो भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, इस प्रकार से हमको मिल जाएगा Cl H2O। अगर मेरे को और जो इसको अंदर लेके जाना है और करना है, तो मेरे को क्या कर सकता हूँ, CO H2O, मैं 3 निकाल देता हूँ, क्या बेटा 3,
थ्री पानी निकाल दिया, तीन जो है मोल पानी को निकाल दिया। अब यहां से मैं क्या करूं, पूरा का पूरा जो क्लोरीन उसको अंदर भेज देता हूं और मैं जो H2O थ्राइस को बाहर निकाल देता हूं, कुछ इस तरीके से। तो ये मेरा क्या होता है बेटा, हाइड्रेशन होता है। मतलब कि हमारे जो भीतर के लिगेंड के में धातु आयन से सीधा बंधित रहते हैं, ऐसे बाहर आते हैं एवं बाहर के संकुल क्रिस्टल जालक से मुक्त रूप में उपस्थित रहता है, तब ये हाइड्रेट समावयवता उत्पन्न होती है। मतलब कि भैया ये मुक्त अवस्था में हमारे कार्बन है, सॉरी क्लोरीन है, वो क्या करेंगे हाइड्रोजन के साथ जो ट्रांसमिट करेंगे, मतलब ट्रांजिशन करते रहेंगे। तो इसे हम क्या बोलते हैं, हाइड्रेशन समावयवता बोल रहे होते हैं। क्लियर सारे बच्चों को समझ में आएगा, उम्मीद करूं कि सारे बेहतरीन तरीके से सारे बच्चों को समझ में आएगा। चलिए बच्चे आगे बढ़ते हैं फटाफट। अब मेरे बच्चे हमको जो है दूसरा तरीका होता है जिसे हम बोलते हैं स्पेशियल, क्या बात बोलते हैं बेटा, स्पेशियल भी बोलते हैं, ठीक है, स्पेशियल प्रोनंसिएशन के मुकाबले हम बोल सकते हैं कोई बच्चे इसको क्या बोलते हैं, स्पेशियल बोलते हैं, कोई स्पेशियल बोलते हैं, ठीक है। तो आपको पता चलना चाहिए, बस समझने में आना चाहिए बेटा। उसको हम क्या बोलेंगे, त्रिविम समावयवता, 3D समावयवता हम बात करते हैं। अब बात करें बेटा यहाँ पे जो पहला जो पोर्शन होता है वो ज्यामिति के हिसाब से कैसे बात करते हैं, और प्रकाशिकी के हिसाब से। बेटा मैं प्रकाशिकी समावयवता ये आपको फिलहाल इंट्रोड्यूस करूँ, लेकिन मैं इसको यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करने वाला, मैं सिर्फ ज्यामिति के हिसाब से बेटा बात करने वाला हूँ कि ज्यामिति के हिसाब से जो हमारा समावयवता होती है वो कैसे होती है, ध्यान से देखना बेटा, ज्यामिति के हिसाब से, ठीक है। ये जो ज्यामिति के हिसाब से जो समावयवता होती है ना बच्ची, ये क्या करते हैं सिर्फ और सिर्फ जो है कोऑर्डिनेशन नंबर, मतलब हायर कोऑर्डिनेशन नंबर वाले जो एलिमेंट होते हैं उसके ऊपर एप्लीकेबल होता है। मतलब कि जो हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 4 हो 6 हो तो उनके ऊपर जो है ज्यामिति समावयवता है वो एप्लीकेबल हो पाता है। क्लियर सारे बच्चों को। अब देखो प्यारे बच्चे हमको यहाँ पे एक चीज देखने सीखने को मिलती है, वो क्या होता है, सीस और ट्रांस। बच्चे यहाँ पे बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि सर हमको सीस समझ नहीं आ रहा, ट्रांस क्या होता है सर, सीस हमको समझ नहीं आ रहा। तो आपको मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, ध्यान समझना, ठीक है। देखो बहुत अच्छे तरीके से कहां पे एक्सप्लेन कर दे इसको कहीं पे, हाँ चलो इसी में एक्सप्लेन कर देना। देखो बच्चे अगर मेरे पे एक एलिमेंट यहाँ पे है, अगर मेरा एक एलिमेंट यहाँ पे है उसके जो है बॉन्ड में सीधा बॉन्ड में एक अलग एलिमेंट है, तो ये वाला जो पोजिशन होता है ये मेरा क्या कहलाता है, सिस कहलाता है। क्या बेटा, सिस कहलाता है, ये कहलाता है मेरा सिस, ठीक है। अगर ये एक एलिमेंट है ये इसके साथ इस तरीके से बॉन्ड में है तो भी ये मेरा क्या कहलाएगा बच्चा, सिस कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सिस। क्लियर बात है, सिस कहलाता है। अगर बच्चे यहां पे एक एलिमेंट है, इस एलिमेंट का नाम देते हैं, यार नाम देंगे ना तो ज्यादा अच्छे से हमको समझ में आएगी कि चीजें क्या बोल रहा हूं मैं, समझो। अगर मेरे पास एक ए है यहां पे भी ए है, अगर ए इस पोजिशन में रहता है तो हम इसको सिस बोलते हैं। अगर ए जो है मेरे को इस पोजिशन में, ए जो है मेरे को इस पोजीशन में ऐसे मिल रहा है तो भी मेरा ये क्या रहने वाला है, सिस रहने वाला है। क्लियर सारे बच्चों को। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे मेरा एक जो है ए है, अगर ये जो है इस अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में, तो हम इसको बोलते हैं क्या है, ट्रांस। इसको क्या बोलते हैं बेटा, ट्रांस बोलते हैं, ट्रांस। क्लियर है सारे बच्चों को, हम इसको बोलते हैं ट्रांस। अगर समझो यहाँ पे ए है कुछ इस तरीके से उल्टा रहेगा तो हम इसको क्या बोलेंगे, ट्रांस बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा, यहाँ पे बनाना ज्यादा उचित नहीं रहेगा मेरे हिसाब से, क्योंकि बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा इधर बना लेता हूँ। देखो ध्यान से, यहाँ पे इसको बना देता हूँ तो इस उल्टे दिशा में रहेगा, तो बेटा यहाँ पे ए, तो हम इसको बोलेंगे क्या, ट्रांस। तो दो पॉसिबिलिटी आपको दिख गई कि हम कैसे चीज़ें बोलते हैं, कैसी चीज़ें होती है। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल दे रहा हूँ। देखो बच्चे ध्यान से, ठीक है, सपोज करो कि ये मेरा ए है, ठीक है, ये मेरा ए है और यहाँ पे बी है, तो ये मेरा जो बी है और ये मेरा जो ए है, ये कौन से सिचुएशन पे है, ट्रांस वाले सिचुएशन पे है। अब बच्चे ध्यान से देखना, ये मेरा ए एक है, यहाँ पे बी है और ये मेरा बी है, तो ये वाला सिचुएशन क्या कहलाता है, ट्रांस कंडीशन कहलाता है। अब बेहतरीन तरीके से सारे बच्चों को क्लियर हुआ होगा, उम्मीद कर रहा हूँ बहुत जबरदस्त तरीके से क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अब थोड़ा सा क्वेश्चंस के ऊपर फोकस करते हैं कि भैया इसके अंदर क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। इससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि हमको इसको डेफिनेशन के फॉर्मेट में कैसे लिखना होता है। देखो बच्चे फटाफट इसके स्क्रीनशॉट पहले ले लो। इस प्रकार की समावयवता जिसमें विषम लैप्टिक या फिर बेटा विषम संकुलों में पाई जाती है, जिससे लिगेंडों की विभिन्न ज्यामिति व्यवस्था एवं संभव हो सकती है, अलग अलग ज्यामिति हमको यहाँ से मिल सकती है। सिंपल बात है, जब दो
समान लिगेंडो की स्थिति निकटवर्ती, जब दो समान लिगेंडो की जो स्थिति होती है वो निकटवर्ती एडजेसेंट होती है, तब उसको हम समकक्ष मतलब सीज बोलते हैं। मतलब कि भैया इस वाले कंडीशन ऐसा ऐसा रहेगा, निकटवर्ती रहेगा, तो हम इसको क्या बोलते हैं, सीज बोलते हैं। जब इसका अपोजिट रहता है हम इसको ट्रांस बोलते हैं। सिंपल से यही लिखा हुआ है। जब समोक की स्थिति विषमनर्तांग मतलब भैया अलग अलग दिशा में होती है, विपरीत दिशा में होती है, तो हम इसको क्या बोलते हैं, ट्रांस बोलते हैं, विपक्ष बोल रहे होते हैं। सारी चीज आपको पता है बेटा, मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया कि कैसी चीजें होती है, कैसी चीजें करनी होती है। इसको आप एग्जाम के अंदर जो बहुत गजब तरीके से लिख सकते हो, अगर वो समझ में आए तो बेटा आप लिख ही सकते हो, डेफिनेटली उसको बहुत गलत तरीके से लिखोगे। चले बच्चे क्वेश्चन के ऊपर आप जो फोकस करते हैं कि क्वेश्चन यहाँ से कैसे पूछे जाते हैं। अब बच्चे मैं कोऑर्डिनेशन जो है 4 और कोऑर्डिनेशन 6 के बारे में बात करता हूं। कोऑर्डिनेशन 4 के अंदर कैसे बात करते हैं, देखो मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पे कोऑर्डिनेशन 4 देखो तो हमको वहां पे क्या दिख रहा है बेटा, एक जो है लिगेंड दिख रहा है, एक लिगेंड दिख रहा है जिसका नाम है NH3, जिसका क्या नाम है NH3 है। सिंपल सी बात है बेटा, इसका नाम क्या है NH3 है। इसके अंदर बेटा Cl2 भी दिख रहा है मेरे को। अब ध्यान से देखना इस Cl में, देखो ध्यान से सुनना, ये मेरा एक सेंट्रल मेटल एटम है, ठीक है। अब सेंट्रल मेटल एटम पे इसमें को मैं चार तरीके से मेरे को मिलेगा, NH2 पे मेरे को तीन तरीके हैं। अब बच्चे मेरे को ये जो ज्यामिति है इसको आइसोमेरिज्म क्यों बोलते हैं, इसका अलग अलग स्ट्रक्चर बना सकते हैं, इससे एक कंपाउंड का अलग अलग स्ट्रक्चर बनेगा, इसलिए हम इसको आइसोमेरिज्म बोलते हैं, ये तो मैंने बताया हुआ है, ठीक है। अब इसकी स्ट्रक्चर कैसे बनेगा ध्यान समझना, सीज कैसे बनेगा, ट्रांस कैसे बनेगा, इसके ऊपर बात करता हूं। देखो मेरे बच्चे अगर ये जो सीएल है ये जो सीएल है ये इस तरीके से दिखेगा, ये सीएल जो है ये इस तरीके से दिखता है, ठीक है। यहाँ पे NH3 है, ये NH3 है, ये इस तरीके से दिखता है, तो मैं इसको क्या बोलता हूँ, सीस। क्या बोलूंगा बेटा, सीस बोलूंगा, क्लियर बच्चे, इसको मैं क्या बोलूंगा, सीस। ये NH3 हो सकता है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, इधर NH3 आ सकता है, इधर CL आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं इससे, लेकिन एक ही पक्ष में रहेगा, हम इसको बोलते हैं सीस। ट्रांस कैसे बनाते हैं, ट्रांस कैसे बनाते हैं, एकदम सिंपल, ठीक है। ये देखो ये क्या होता है, ट्रांस में अपोजिट डायरेक्शन पे होता है, मतलब यहाँ पे CL रहेगा, यहाँ पे NH3 रहेगी, यहाँ पे CL रहेगा, यहाँ पे NH3 रहेगी, ठीक है। तो ये मेरा क्या होता है, ट्रांस सिचुएशन होता है, क्या बेटा मेरा ये ट्रांस सिचुएशन होता है। क्लियर है सारे बच्चों को, समझ में आया बेटा क्या चीज़ होती है, ट्रांस सिचुएशन कैसे होता है, क्लियर होगा उम्मीद कर रहा हूँ, बहुत जबरदस्त तरीके से सारे बच्चों को क्लियर होगा। ये मेरा क्या होता है, ट्रांस सिचुएशन होती है, ये मेरा होता है ट्रांस, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बच्चे, ठीक है। अब हमारा कोऑर्डिनेशन 6 के ऊपर बात करते हैं। यहाँ पे बेटा आपको मैं एक चीज दिखा दिया हूँ, इसके अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, कंपाउंड्स आते हैं, लेकिन बच्चे मैं आपको जनरल फॉर्मूला में बात करता हूँ, मतलब जनरल GF में बात करता हूँ कि इसको कैसे लिखते हैं। देखो मैंने प्यारे बच्चे कैसे करेंगे, जो मेरा मेटल होगा M, यहाँ पे जो A होगा, यहाँ पे B लिखती हूँ मैंने, इसका कोऑर्डिनेशन संख्या जो होती है वो 6 होती है। अब कैसे करते हैं, देखो बच्चे ध्यान से, मेरे पास एक सेंट्रल मेटल एटम यहाँ पे M है, इस M को अपन पेन चेंज कर लेते हैं फटाफट, ध्यान से देखना, इस M के साइड बाय साइड अगर मेरे को MA मिला, यहाँ पे भी A मिला इस तरीके से, ठीक है, A मिला, यहाँ पे भी A मिला। अब इस A में ध्यान से देखना, इसके समपक्ष में, इसके प्लेनर में ये थो, इसको प्लेन में मैं इसको प्लेन बोलूँगा, ठीक है, इसको क्या बोलूँगा बेटा, प्लेन। इस प्लेन में अगर ऑक्टागन में ध्यान से देखना, ये जो मेरा स्ट्रक्चर होगा, अगर इस स्ट्रक्चर में कोई भी एक समान, अगर स्ट्रक्चर में कोई भी एक समान एलिमेंट आ जाता है या फिर आयंस आ जाते हैं, तो वो हमारा क्या कहलाता है, ट्रांस कहलाता है, क्या बेटा, ट्रांस कहलाता है। सपोज करो कि यहाँ पे मेरा ए आ गया, यहाँ पे ए आ गया, तो ये मेरा क्या कहलाएगा, ट्रांस कहलाएगा, क्लियर बेटा, ट्रांस कहलाएगा, ठीक है। ये फंडा याद रख लेना। अब इसके दूसरा फंडा याद रखना बेटा, ठीक है, इसका दूसरा फंडा बोलता हूँ मैं, अगर मेरे प्लेन पे सेम एलिमेंट रहते हैं, क्या बेटा, सेम एलिमेंट रहते हैं, ध्यान समझना, सीखते रहना, देखो बच्चे ध्यान समझना और सीखते रहना, सीखोगे तभी सीखोगे बेटा, ठीक है, तभी बने पाएगा। यहाँ पे बी है, यहाँ पे बी मिलेगा और यहाँ पे बीज मिलेगा, ठीक है। अब मेरे को देखो ध्यान से मेरे बच्चे देखना कि यहाँ पे मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। यहाँ पे जो मेरा ए है, यहाँ पे ए मिला और यहाँ पे ए मिला, और मैंने क्या बोला, अगर इस तरीके से होता है तो ये मेरा क्या कहलाता है, ट्रांस कहलाता है। मतलब बच्चे यहाँ पे जो एक एलिमेंट यहाँ पे मिला और दूसरा एलिमेंट यहाँ पे मिला, तो मेरे को ये जो सिचुएशन है, ये मेरा ट्रांस सिचुएशन कहलाएगा। और इसका जो प्लेन है, इसके प्लेन है, इस प्लेन में भी क्या होगा बेटा, इस प्लेन में भी सेम कंपाउंड होंगे, तो वो हमारे क्या कहलाते हैं, सिचुएशन। ये मेरा सिचुएशन है, ट्रांस पोजिशन। क्लियर सारे बच्चों को समझ में आया। अगर बेटा एक, अगर सिंपल ध्यान सुनना, अगर ये जो प्लेन है, इस प्लेन में अलग अलग जो है एलिमेंट होंगे, अलग अलग कंपाउंड होंगे, तो वो हमारा क्या कहलाता है, सीस कहलाता है, एकदम सिंपल। ये वो हमारा क्या कहलाएगा बेटा, सीस कहलाएगा। करते बनाते हैं जल्दी, कोई दिक्कत नहीं है। ये मेरा एक मैटर है, सेंट्रल मैटर आइटम, इसमें बच्चे ये इसमें क्या हो जाएगा, मेरा बी हो जाएगा। यहाँ पे मैं बी रख देता हूँ, यहाँ पे भी बी रख देता हूँ, ये इस मेटल में बेटा, इस साइड में बी रख देता हूँ, इधर बी रख देता हूँ, और इस साइड पे मैं क्या लेता हूँ, ए रख लेता हूँ, ठीक है। तो हमारे इस प्लेन में बेटा क्या होगा, इस प्लेन के अंदर जो एलिमेंट है वो अलग अलग है,
इस प्लेन के अंदर जो एलिमेंट है वो अलग अलग है, तो मैं इसको क्या बोलूंगा, मैं इसको बोलता हूं सिस। क्या बोलता हूं बेटा? सिस। तो इस प्रकार से बच्चे हम लोगों ने जो पूरा का पूरा जो ट्रांसिस जो समावयता होती है वो सारी चीजें पढ़ चुके हैं। अब बच्चे हमको कुछ भी यहां पे पढ़ने की जरूरत नहीं है, और ये बेटा आपके लिए एग्जांपल है, ये इसको जो है बहुत अच्छे तरीके से सारे बच्चों करके आएंगे। और मेरे प्यारे बच्चों इस प्रकार से पूरा का जो आपको प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर है वो लगा सकते हो। इस प्रकार से बेटा आपको जो क्वेश्चन पेपर पूछा गया कि भैया कौन कौन से क्वेश्चन कौन कौन से टॉपिक जो है एग्जाम्स के अंदर पूछेगा, बेटा देखो यहां से मैंने आपको आपको आयरन समावयता बेटा, हाइड्रेट समावयता बेटा, जो कि आपको एग्जाम्स में कुछ इस तरीके से इस टाइम एंड डेट के अंदर पूछा गया है। क्लियर सारे बच्चों को समझ में आया बहुत बेहतरीन तरीके से? बच्चे मैं यहाँ पे ये चीजें नहीं कराता हूँ कि भाई एक क्वेश्चन उठा दो उधर सीधा एक्सप्रेशन दे दो, मैं आपको पूरा कंसेप्ट समझा देता हूँ, धीरे धीरे कंसेप्ट समझाता हूँ कैसी चीजें होती है, कैसी चीजें क्या होती है, समझ रहे हो? उस तरीके से आपको समझाता हूँ। तो बच्चे आप ये उम्मीद नहीं कीजिएगा कि ये जो सीधा डायरेक्ट जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देंगे। मैं अगर आप कहो, अगर आप कमेंट करो कि सर मुझे सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बात करना, तो बच्चे मैं वो भी कर सकते हैं, अपन वो भी करेंगे। तो बच्चे सिर्फ आपको क्या करना है, कमेंट करना है कि सर बता दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे को करा दो, सिर्फ और मेरे को कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, तो हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर भी बात कर रहे होंगे। क्लियर बच्चे? तो इस प्रकार से बच्चे हम लोग पूरा का पूरा अपना चैप्टर जो खत्म कर चुके हैं। अब बच्चे अपन को यहाँ पे कुछ भी पढ़ने की और जरूरत नहीं है। तो बच्चे हम जो है वीडियो लेक्चर जो इसी के साथ जो खत्म करते हैं। बाय बाय, धन्यवाद, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ते रहिएगा।